अगर मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री का एक एमसीक्यू दे दूं, सपोज टेन थीटा डॉट टेन थीटा डिवाइड बाई टू, सही है, टेन थीटा डिवाइड बाई टू। अगर मैं एमसीक्यू दे दूं, चार ऑप्शंस दे दूं आपको, तो आपने क्या करना है? अब एक बंदा इसको सिंप्लीफाई करता है, बट देर इज अ शॉर्टकट। शॉर्टकट ये है कि बस थीटा सपोज कर ले, दैट इज थीटा और हियर, सॉरी यहाँ पे टेन थीटा है, सही है, ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में टेन थीटा सपोज। अब मतलब थीटा अपने आप से सपोज करें। अब यहाँ पे एक बंदा 90 सपोज तो कर नहीं सकता, क्योंकि अगर 10 90 कर ले तो फिर इन्फिनिटी आ गया, तो वो थोड़ा सा मतलब कम्प्लेक्स हो जाएगा। खैर मैं समझा दूंगा, लेकिन आप लोगों ने 90 सपोज नहीं करना। कौन सा सपोज करना है? थीटा। यहाँ पे 10 थीटा में आपके लिए जो आसान होता है वो 60 होता है, सही है, 60 कर लिया करें। तो 10 थीटा, अब इसमें पुट करें 60, तो 10 60 क्या होता है? अंडर रूट ऑफ 3। और यहाँ पे 60 पुट करें, 60 डिवाइड बाई 2 इज 30, एंड 10 30 इज 1 डिवाइड बाई रूट 3, सही है, 1 डिवाइड बाई रूट ऑफ 3। तो ये आपके पास आ गया 1। तो आपने देखा, जब आपने 60 पुट किया इसमें, तो आपके पास आ गया आंसर 1। अब आपने क्या करना है? अब आपके पास चार ऑप्शन हो गए, सही है, आपके पास चार ऑप्शन हो गए। तो आपने यही जो वैल्यू आपने सपोज की थी, ये चार ऑप्शन में पुट करें, जो आपको 1 आंसर देते वो आपका आंसर होगा, सही है। अब सपोज मेरे पास एक ऑप्शन होगा सीकेंट थीटा माइनस वन, सीकेंट थीटा माइनस वन, इसमें जरा 60 पुट करें, क्योंकि मैंने यहाँ पे 60 सपोज किया था, सही है, 60 पुट करें, सो 1 सीकेंट थीटा हो रहा है 1 डिवाइड बाई कॉस थीटा, और माइनस वन कॉस 60 होता है 1 बाई 2, 1 डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई 2, और माइनस वन आप लीजिएगा, सही है, ये ऊपर चला जाएगा 2 डिवाइड बाई 1 माइनस वन, 2 डिवाइड बाई 1 इज 2, 2 माइनस 1 दैट इज 1। ऊपर क्या आया था? 1, नीचे क्या गया? 1, दैट इज योर करेक्ट आंसर। अगर मुझे दो ऑप्शन इस तरह होते जो मुझे सेम आंसर देते, सिंपल सी बात है, थीटा सिर्फ दूसरा सपोज करे, सही है। अच्छा नेक्स्ट कर लेते हैं दूसरा, 1 माइनस कॉस थीटा, सही है, ये किसके बराबर होगा? चार ऑप्शंस के बराबर होगा, अगेन सिंपल सी बात है, थीटा आप सपोज करें, थीटा यहाँ पे अगर मैं वैसे जीरो सपोज करूँ अच्छा होगा, क्योंकि कॉस 0 1 आता है, थीटा सर जीरो सपोज सपोज करें, थीटा मैंने 0 सपोज किया, सो 1 माइनस कॉस 0 क्या होता है? 1 होता है, सो 1 माइनस 1 दैट इज 0। अब चार ऑप्शन गिवन हो गए, सही है, उसमें एक ऑप्शन होगा 2 sin² θ/2, 2 sin² θ/2, सही है। अब चार ऑप्शन गिवन हो गए, उसमें एक ही होगा, आप इसमें जरा 0 पुट करें, 2 sin(0)/2, 0 डिवाइड बाई 2 इज अगेन 0, सही है, ऊपर स्क्वायर भी है, सो 2 sin(0) 0, 2 0 का स्क्वायर कर ले, डजेंट मैटर, सही है, सो दैट इज 0। यहाँ पे भी 0 आ गया, और यहाँ पे भी 0 आ गया, और यहाँ पे भी 0 आ गया, सो ये आपका शॉर्टकट है। तो जो क्वेश्चन हो उसमें अगर इस तरह के एंगल्स इन्वॉल्व हो, बस सिर्फ थीटा सपोज करें, आसान थीटा सपोज करें, जिसका आप कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं, और आपके पास चार ऑप्शन हो गए, उसमें देखा करें। अगर दो ऑप्शन सेम आंसर है, सपोज दो ऑप्शन ने मुझे सेम आंसर दिया ना, तो इसका ये मतलब सेम वैल्यू थी, इसका ये मतलब कि आप लोगों ने थीटा सिर्फ दूसरा सपोज कर लेने, पहले 60 किया था तो अभी 30 कर ले, पहले 30 किया था अभी 90 कर ले, सही है, थैंक यू।